नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला है खबर क्या है कि इस खास बुलेटिन का शुरुआत। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से करते हैं। दरअसल जानकारी आपको दे दे कि क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है। एनसीबी ने रात भर अपना ऑपरेशन चलाया, हिरासत में कई लोगों को लिया है। छापेमारी में एनसीबी के कई आला अधिकारी शामिल हुए। फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खन्नी को एनसीबी ने समन भेजा है। एनसीबी ने इम्तियाज खन्नी को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। तो फिलहाल ड्रग्स केस में एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री को एनसीबी ने समन भेजा है और एनसीबी ने इम्तियाज खत्री को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। तो जानकारी आपको दे दें कि लगातार एनसीबी ने रात भर अपना ऑपरेशन चलाया, हिरासत में कई लोगों को लिया है। कई ड्रग्स पेडलर एनसीबी के निशाने पर हैं। कई फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस को लगातार एनसीबी अपनी नजर रख रहा है और फिलहाल एनसीबी ने रात भर अपना ऑपरेशन चलाया। अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और कई आला अधिकारी इस छापेमारी के दौरान एनसीबी के मौजूद थे। एक और अहम खबर, शाहरुख खान के ड्राइवर से एनसीबी ने की 12 घंटे पूछताछ। जानकारी आपको दे दें कि ड्राइवर ने आर्यन अरबाज को क्रूज तक छोड़ने की बात कही है। एनसीबी ने दर्ज किया शाहरुख के ड्राइवर का बयान, छोड़ने की बात कबूली है कि हाँ क्रूज तक छोड़ने गए थे आर्यन और अरबाज को। साथ ही शाहरुख खान की ड्राइवर से एनसीबी ने जब 12 घंटे पूछताछ की तो पूछताछ में ड्राइवर ने आर्यन अरबाज को क्रूज तक छोड़ने की बात को कबूल किया है, यानी एनसीबी ने यह भी बयान दर्ज कर लिया है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी लगातार एक्शन मोड में आती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ इम्तियाज खत्री से जांच की गई, वहीं दूसरी ओर अब क्रूज पर जाने के पहले आर्यन खान और उसका दोस्त अरबाज जिस गाड़ी में बैठकर क्रूज पर गया था, अब उस गाड़ी के ड्राइवर से एनसीबी अधिकारियों ने पूछताछ की है। ड्राइवर से पूछा गया कि क्रूज पर पहुंचने के दौरान आर्यन खान ने कार में ड्रग्स का सेवन किया था कि नहीं और गाड़ी मन्नत से निकलकर सीधे क्रूज पर गई थी या नहीं, या बीच में कहीं और भी आर्यन को ले जाया गया था। इसके अलावा भी गाड़ी के ड्राइवर पर सवालों की बौछार की गई। हालांकि कल सोमवार है और एक बार फिर आर्यन की जमानत याचिका को लेकर उनके वकील सतीश मान सिंधे अपनी दलीलें पेश करेंगे, लेकिन देखना यह है कि जिस तरह से एनसीबी एक के बाद एक इस कड़ी से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ कर रही है, इसके बाद आर्यन की मुश्किलें और बढ़ेगी या उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट उन्हें बेल अप्रूव करती है। कैमरामैन विकास के साथ मैं संदीप कसालकर, JK24 न्यूज के लिए मुंबई। तो लगातार पूछताछ जारी है, हिरासत में कई लोग हैं। ड्राइवर शाहरुख खान के उससे भी पूछताछ की गई और ड्राइवर ने यह बात कबूल की कि कारियन और अरबाज को वो क्रूज तक छोड़ने गए थे। 12 घंटे लगातार पूछताछ की गई। हालांकि कल फिर से एक बार जो याचिका दायर की गई है, जमानत याचिका आर्यन की, उस पर उनके वकील की तरफ से दलीलें पेश की जाएंगी। इससे पहले आपको बता दें कि 14 दिन के न्यायिक हिरासत में अरबाज आर्यन समेत तमाम और भी लोग जो क्रूज से गिरफ्तार हुए उन्हें भेजा गया है और फिलहाल एनसीबी की टीम अब अंदर आर्यन है, बाहर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। और एनसीबी की टीम पर जो आरोप भी लग रहे हैं कि कई लोगों को उन्होंने टारगेट करके गिरफ्तार किया, ऐसे में एनसीबी की टीम की तरफ से कहा भी गया है कि ये हमारा काम है और हम किसी के लिए, हमारे लिए सबके लिए एक ही कानून है और हम ड्रग्स के सिंडिकेट्स को पकड़ रही हैं। फिलहाल आर्यन गिरफ्तार किए गए हैं, जेल में हैं। अशोक पांडे इस वक्त ब्यूरो चीफ मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अशोक, क्रूज ड्रग्स के बाद अब एनसीबी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, अगर कल की बात करें जो रात भर ऑपरेशन चला, क्या बात निकलकर सामने आई? गिरफ्तारी हुई उसके बाद से माना जा रहा है कि लगातार कहीं ना कहीं एनसीबी के सामने चुनौतियां बड़ी है। जिस तरह से एक के बाद एक जो कोर्ट में दलीलें पेश कर रहे हो, कहीं ना कहीं एनसीबी की चुनौतियों को और
ज्यादा मतलब कठिन कर रही है। तो देखिए उसी के ध्यान में रखते हुए जो अब तक लीड रखते हुए एनसीबी के पास में आई थी उसी के माध्यम से देर रात लगातार जो है एनसीबी एक्शन में दिखाई, जो लगातार मुंबई के कई अलग अलग स्थानों पर जो है अपना रेड मार के कार्रवाई करने का कार्यक्रम किया गया। हालांकि ये भी अगर सोर्सेज की बात करें तो ये बात भी सामने आ रही है कि अब कुछ लोगों को एनसीबी ने गिरफ्त में लिया भी है। उन पेडलर्स की दी गई जानकारी के माध्यम से जब आर्यन को गिरफ्तार किया था, उसके बाद जिन पेडलर्स को पकड़ा था उनके द्वारा बताई गई जो इन्फॉर्मेशन मिली थी। लेकिन देखना है कि आप ये पूरी जो गिरफ्तारियां हो रही है खासतौर से जिस तरह से लगातार दलीलें दी जा रही है सतीश मान शिंदे की तरफ से आर्यन की रिहाई को लेकर, जमानत को लेकर के ये गिरफ्तारियां आगे एनसीबी के लिए किस तरह के सवालों की तैयारी करती, जिसके बाद में लगातार जो मांग कर रही थी एनसीबी आर्यन की जो है जमानत को खारिज किया जाए और उनकी जो है पीसी और बढ़ाई जाए, उससे कितनी मदद एनसीबी को इस पूरे गिरफ्तारियों के बाद मिल पाती है। आर्यन खान के जो ड्राइवर यानी शाहरुख खान के जो ड्राइवर है जिन्होंने आर्यन और अरबाज को छोड़ा था क्रूज पर, उनसे भी बात की है क्या, उनकी तरफ से कहा गया है, क्योंकि 12 घंटे उनसे पूछताछ हुई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आर्यन खान के ड्राइवर जो थे जिन्होंने बकायदा आर्यन खान को और अरबाज मर्चेंट को जो है उनके बंगले मन्नत से पिकअप किया था, बकायदा क्रूज तक उनको छोड़ा भी था, तो देखिए बकायदा एनसीबी ने उनसे इस बात की पूछताछ की है कि जिस वक्त वहां से आर्यन को और अरबाज को पिकअप किया गया उसके बाद में क्या चलती गाड़ी के दौरान आर्यन ने या अरबाज ने जो है वो ड्रग्स का सेवन किया था या नहीं, इसके अलावा कहीं पे गाड़ी हॉल्ट करके किसी से मुलाकात की थी या कोई चीज खरीदी या बेची थी या किसी से कुछ ऐसे का व्यवहार है, कहीं ना कहीं जाकर के ड्रग्स लेने का जो काम था वो नहीं किया कि नहीं किया। लेकिन देखिए देखिए एनसीबी जो है वो इस बात को भी जानना चाहती है कि घर से निकलने के बाद आखिरकार आर्यन कहाँ कहाँ रुके थे, किससे किससे मिले थे और जो ड्रग्स उनके पास उनके अरबाज के पास जो ड्रग्स मिली है आखिरकार ये ड्रग्स कहाँ से ली और किसके माध्यम से उस गाड़ी तक पहुंची। तो कहीं ना कहीं देखिए आप जो एनसीबी है वो हर तरह के एंगल्स को खंगाल रही है और पूरी कोशिश में लगी है कि कम से कम जल्द से जल्द जो है इस पूरे मामले को लेकर के और भी गिरफ्तारियां की जा सके। इसको लेकर के वो कल कोर्ट में जब मुंबई कोर्ट में जब इस बकायदा आर्यन की जमानत को लेकर याचिका को आगे बढ़ने का जो कार्यक्रम किया जाएगा तो वो विरोध करके उसको कम से कम उसकी जमानत याचिका को खारिज करवा सके। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए अशोक आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल लगातार इस मामले पर छापेमारी चल रही है। आगे बढ़ते और बात अब नवजोत सिंह सिद्धू की कर लेते हैं। लखीमपुर हिंसा में नवजोत सिंह सिद्धू के बाद अब वो जम्मू पहुंच चुके हैं। लखीमपुर खीरी में अब वो मौजूद थे, उसके बाद जम्मू पहुंचे। दरअसल माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए सिद्धू रवाना हुए हैं। माना जा रहा है कि कश्मीर का दौरा भी कर सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। आतंकी हमलों में मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। फिलहाल जम्मू पहुंचे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं और कश्मीर का दौरा भी कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीर में बीते दिनों आतंकियों के निशाने पर कई लोग आए थे जिनके मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी घटनाएं हुई उसमें सिलेक्टिव टारगेटिंग की बात सामने आ रही है, यानी कुछ चुनिंदा लोगों को ही आतंकी अपना निशाना बना रही है। अगर बात करें तो इस साल कश्मीर में 25 नागरिक मारे गए और ऐसे में इन 25 में 3 गैर स्थानीय थे, 2 कश्मीरी पंडित थे और 18 इसमें मुसलमान थे। ऐसे में जो टारगेट और सिलेक्टिव किलिंग है उस पर हमारे सहयोगी ने बीजेपी सांसद जुगल किशोर से बातचीत की, क्या कहना है सुनिए। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है विकास धारा घटती हुई नजर आ रही थी। हालांकि कुछ दिनों के अंदर आपने हालात देखे कि कश्मीर घाटी के हालात फिर से बदलते हुए नजर आए हैं और 90 के दशक की बात की जाए तो एक बार फिर से पलायन देखना शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है MP जुगल किशोर जी। सर, किस तरह से देखते हैं, महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि धारा 370 हटने से जो है काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है, लगातार अपोजिशन जो है भाजपा पर जो है तंज कसना शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों के कहने से ऐसा नहीं होता, जम्मू कश्मीर की जनता ने धारा 370 के बाद जो जहां पर कदम उठाए गए हैं जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर की शांति के लिए, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए, हर कश्मीरी समाज ने इसे सराहा है। कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो नहीं चाहते कि भाई जम्मू कश्मीर जो है वो शांति की ओर आगे बढ़े और जहाँ पर माहौल जो है वो सामान्य बने, तो इसलिए पाकिस्तान द्वारा प्रेरित कुछ जो उग्रवादी आतंकवादी या कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो नहीं चाहते कि भाई ऐसे हालात जहां पर बने, तो ऐसी घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कश्मीर घाटी में सिखों पर भी हमला हुआ,
कश्मीर घाटी में दलितों पर भी हुआ, कश्मीर घाटी में पंडितों पर भी हुआ, अल्पसंख्यकों पर भी हुआ, लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं जो सियासत करते हैं लाशों पर। अगर यूपी में कोई घटना घटती है तो वहाँ पर जाकर धरने लगा दिए जाते हैं, वहाँ पर पदयात्राएँ होती हैं, वहाँ पर क्योंकि इसलिए कि वहाँ पर इलेक्शन अनाउंस हो चुकी है या इलेक्शन होने वाली है, इसलिए मतलब राजनीति की जाती है। और जहाँ पर जो घटनाएं घट रही हैं उन पर अपना मुंह नहीं खोल सकते, क्या इसकी निंदा नहीं कर सकते? जो शहादतें हुई हैं इनके परिवार की चिंता करना, उनके परिवार के जो सदस्य हैं चाहे विद्यार्थी हैं चाहे दूसरे लोग हैं उनकी चिंता करना, और भारतीय जनता पार्टी जो है उस पर चिंता जो है वो कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मेंबर पार्लियामेंट, जिनका ये कहना है कि केंद्र सरकार जो है प्रतिबद्ध है और जल्द ही एक फैसला लेगी और एक बड़ी से बड़ी कार्रवाई देखने को जरूर मिलेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से दीपक चंद परिवार हो या फिर अन्य परिवार हो जिन्होंने कश्मीर घाटी के अंदर जो है शहादत पाई है, उन परिवारों को जो है जल्द से जल्द जो है केंद्र सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी फैसला देखने को जरूर मिलेगा। ये बड़ी जानकारी जो थी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहे जेके 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जम्मू से धन्यवाद। और चलिए यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। फिलहाल बात कर लेते हैं भारत और चीन की। दरअसल आपको बड़ी जानकारी से इस वक्त रूबरू करवा दें, भारत चीन सैन्य कमांडर्स की 13वें दौर की बातचीत इस वक्त जारी है। पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने की कोशिश को लेकर इसमें बातचीत हो रही है। हॉट स्प्रिंग से सेना की वापसी कर दिया जाए इस पर जोर दिया जा रहा है। 12 दौर की बातचीत से नहीं निकल सका है कोई समाधान। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि भारत चीन सैन्य कमांडर्स की 13वें दौर की बातचीत जारी है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 13वें दौर की बातचीत इस वक्त चल रही है। दोनों पक्षों के बीच सैन्य स्तर पर 12 दौर की बातचीत हो चुकी है फिलहाल, और 12 दौर की बातचीत से अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि एलएसी पर चीन के हिस्से वाले मोल्डो में ये बातचीत हो रही है। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि भारतीय टीम का नेतृत्व ले स्थित XIV कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन कर रही हैं। दोनों देश के बीच लद्दाख सीमा पर सैनिक गतिरोध लंबे समय से बना हुआ है। दोनों देशों के बीच बातचीत में हॉट स्प्रिंग में तैनात सैनिकों के मसले पर चर्चा हो रही है। वहीं एलएसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में चीन जुटा है। साथ ही आपको बता दें दोनों ही देश एलएसी के पश्चिमी इलाके में बुनियादी ढांचे का विकास कर रही हैं। तो 13वें दौर की वार्ता चल रही है जिसमें अतिरिक्त सैनिकों और सैन्य उपकरणों की सुविधा के लिए ये बनाए जा रही हैं। तो फिलहाल पैंगोंग त्योस और गोगरा पोस्ट के उत्तर दक्षिण तट पर सैनिक पीछे हट गए हैं लेकिन हॉट स्प्रिंग्स पर डटे हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि त्योहारों पर राष्ट्रीय राजधानी को निशाना बना सकते हैं आतंकी हमले की आशंका के चलते दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। ऐतिहासिक इमारतों, मेट्रो और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। तो फिलहाल जानकारी सामने आ रही है कि त्योहारों पर राष्ट्रीय राजधानी को निशाना बना सकते हैं आतंकी। ऐसे में राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, मेट्रो या फिर भीड़भाड़ वाले इलाके हैं उन पर लगातार सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में त्योहारों से पहले सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आतंकी हमला हो सकता है इसको लेकर अलर्ट पर दिल्ली को रख दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि बाजार, होटल्स और अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि किराएदारों के वेरिफिकेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। त्योहारों के दौरान आतंकी हमले की साजिश को लेकर इनपुट मिले हैं।
चलिए बात दिल्ली की ही कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में एक अजीबोगरीब पोस्टर लगा हुआ है। मेन मार्केट में जगह जगह दीवारों पर इस पोस्टर को लगाया गया है, जिसे लोग पढ़कर परेशान हो रही है। पोस्टर में लिखा हुआ है, मैं जल्द ही आ रहा हूं, अब आपको परेशान नहीं होने दूंगा। आपको बता दें कि किराड़ी विधानसभा, जहां पहले से ही स्थानीय लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, इस बीच यहां अजीबोगरीब पोस्टर वायरल हो रहा है, जो स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर पूरे रोड पे ही लगे हुए हैं, रात नहीं थे ये, लेकिन आज सुबह 8 बजे जब आए दुकान पे तो सब जगह पोस्टर लगे हुए थे। अभी तो कुछ पता चल पाया कि पोस्टर किसने लगाया, कैसे कुछ नहीं? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, पुलिस इंक्वायरी कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई और नहीं, कैमरे देखे सबने, पुलिस ने लगे हुए हैं, लेकिन 6 बजे के अराउंड जिम के लिए निकला था, तब मैंने देखा था कि यहाँ पे इसमें बीच के ही एरिया में लगे हुए हैं। यहाँ से थोड़ा सा आप 2-4 गली आगे जाएंगे तो वहाँ भी लगे हुए, यहाँ से भी 2-4 गली आगे जाएंगे वहाँ भी लगे हुए, बट ये जो पोस्टर्स हैं यहीं पे लगे हुए हैं। बाकी सुबह के टाइम पुलिस भी आई थी हमारे पास, तो उन्होंने पूछताछ की थी कि क्या हुआ, किसका क्यों, कोई आइडिया है किसने लगाए हैं, तो हमें ऐसा तो कुछ नहीं पता है, बट देखते हैं जो पता चलता है क्या होता है। ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ पैनिक करने के लिए इस तरह की पोस्टर लगा रहे, ऐसा भी कह सकते हैं? हो सकता है किसी पुराने MLA ने या फिर कैसे किसी पॉलिटिशियन ने ऐसे लगवा दी हो, क्यों कोई यहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवर वगैरह की, तो लोग वगैरह बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसी वजह से लोग को हो सकता है किसी को पता चला हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम में ज़्यादा लोग हैं, तो उस वजह से उसने लगवाई वैसे। और शारदीय नवरात्र की आज पंचमी है, आज के दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान स्कंद माता की पूजा करने से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। ऐसे में देश भर के मंदिरों में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार ने आज के दिन के महत्व को जानने के लिए पंडित जी से खास बातचीत की, सुनिए। 7 अक्टूबर वीरवार से नवरात्रों का पावन पर्व शुरू हुआ था, सबने बहुत धूमधाम से पहला नवरात्रा मनाया था और तभी से अभी तक हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन जो है हर स्वरूप माता की पूजा की जाती है। आज कौन से माता के स्वरूप की पूजा होती है, कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए आप लोगों को, ये सारी चीज़ें बताने के लिए आज हम आपके पास फिर से हाजिर हुए हैं। और इस वक्त भी हम एक मंदिर में मौजूद हैं, हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी पंडित जी मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे जो आज कौन सी माता के स्वरूप की पूजा की जाती है, कौन सा नवरात्रा है आज, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि एक नवरात्रा जो है वो घट जाता है या कई बार ऐसा होता है कि एक नवरात्रा जो है बढ़ भी जाता है, तो इस बार जो नवरात्र हैं 2021 अक्टूबर के, वो कैसे हुए हैं, क्या बड़ा है घटा है और किस तरीके से आप लोगों को पूजा अर्चना करनी चाहिए, तमाम बातें जानेंगे हमारे साथ पंडित जी। देखिए, जैसे प्रतिवर्ष नवरात्र आते हैं तो हर प्रतिवर्ष जो नवरात्र होते हैं अलग अलग होते हैं, कभी एक नवरात्रा बढ़ता है, कभी एक नवरात्रा घटता है, एक बढ़ जाता है कभी ये घट जाए, इसके इसके अब की बार एक नवरात्रा कम हो गया है, तीसरा चौथा नवरात्रा एक हो गया है, आज पांचवा नवरात्रा है। आज आज का जो नवरात्र माँ का नाम है स्कंद माता, तो आज जो माता की पूजा की जाती है, जो माता का चोला है लाल और लाल, ठीक है ना, और माता को लाल पुष्प चढ़ाने का बहुत ही फल मिलेगा, तो सभी भक्तों ने आज पांचवा स्कंद माता का पूजन किया है और कर रहे हैं, तो भक्तों के लिए शुभकारी मंगलकारी रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। अगर आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो किस वक्त पूजा लोगों को करनी चाहिए, क्या क्या लोगों को वस्त्र जो है वो ग्रहण करने चाहिए? आज लाल वस्त्र ग्रहण करने चाहिए, लाल फूल चढ़ाना चाहिए और माता का जो प्रसाद है वो ड्राई फ्रूट होना चाहिए और शुद्ध पवित्र भोजन होना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, और आज है जो स्कंद माता का दिन है जी। हाँ। अगर आज की माता की बात करें स्कंद माता की, तो इनकी जो पूजा अर्चना आरती होती है जी, या मंत्र होते हैं, वो कौन सा मंत्र होता है? आज माता का जो मंत्र है, एम हिम क्लीम चामुंडाय विषय नमः, ये मंत्र है माता का। वैसे ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण नेत्रम के गौरी नारायणी नमोस्तुते, शरणागत दीनानाथ परित्राण पराणे सर्वसात हरि देवी नारायणी नमोस्तुते, ये माता का मंत्र है। माता को फूल चढ़ा करके धूप
अगरबत्ती घी का दीपक जला करके आरती करें, आरती करने के बाद में माता का भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं, ड्राई फ्रूट का भोग लगाएं और भक्तों को प्रसाद बांटें। पंडित जी एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए जैसे माता का स्वरूप अलग अलग मनाया जाता है प्रतिदिन, तो आज की जो माता का दिन है वो किस लिए मनाया जाता है? नौ नवरात्र होते तो नौ दिन माता के नाम अलग अलग होते हैं, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पंचमी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम माघोरी, नवमी शुद्ध धात्री, माता के नौ नाम होते हैं, नौ दिन के होते होते इसलिए माताओं के अलग अलग नाम है, नाम एक है, काम अन्य। बहुत शुक्रिया पंडित जी बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ पंडित जी ने बातचीत की है, आपको बताया है कि किस तरीके से आप लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। आज जो है वो पांचवा नवरात्र है क्योंकि तीसरा और चौथा नवरात्र एक साथ पड़ गया, किस तरीके से आप लोगों को पूजा अर्चना करनी चाहिए ये तमाम बातें पंडित जी ने आप लोगों को बताई है। और जो ये बार का नवरात्र है वो 14 अक्टूबर को ख़त्म होने वाला है और किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं, क्या वस्त्र आप ग्रहण कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने आपको दिखाई है। जगह 24 न्यूज के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरात्र में अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन अगर बात करें तो मुंबई में इस सजावट को एक अलग ही रूप दिया गया है। मुंबई में नवरात्रि पंडाल को सजाने के लिए 4 लाख से अधिक LED लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा, केवल रोशनी होगी। सुंदर और भव्य पंडाल को लेकर शिव शक्ति मंडल के सदस्य प्रमोद का कहना है कि एक अनूठी सुंदर अवधारणा कोलकाता से प्रेरित है। एक कॉन्सेप्ट है जो कलकत्ता में आपने देखा होगा, बहुत सारे मंदिरों के पास या ऐसे करके ये सब लाइटिंग्स के बहुत आजकल ये चल रहा है, तो ये चीज हमने थोड़ा ये इनको निकाल के फिर इनका एक मेन कोई एक आदमी होता जो पुणे में है उनसे बात करके हमने ये लगा कि इसके वजह से पॉल्यूशन नहीं होगा, इसके वजह से ऐसी कोई चीज़ें नहीं होगी जो अपने को आगे जाके तकलीफ होगी, एनवायरनमेंट को तकलीफ नहीं होगी, इसको कैसे जो कटआउट जैसे सिस्टम है उसको जो एक पोस्ट है उसको निकालने का है, सिर्फ बाम्बू का ये है। दो तीन दिन के अंदर ये कॉन्सेप्ट खड़ा किया निकालने के, एक दिन जाएगा जिसके वजह से कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, एनवायरनमेंट को कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई चीज़ वेस्टेज नहीं होगी, ये सब सोच के हमने ये सब चीज़ को नया कॉन्सेप्ट सामने आज लोगों के सामने ला के रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात बल्लभगढ़ की कर लेते हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि उपखंड बल्लभगढ़ के गांव हीरापुर के शहीद जय भगवान राजकीय मिडिल पाठशाला में शहीद जय भगवान शर्मा की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर पृथला विधानसभा से विधायक नयन पाल रावत भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने परिवहन मंत्री सहित सभी नेताओं का जोरदार स्वागत किया है और शहीद जय भगवान शर्मा अमर रहे के नारों से हीरापुर गांव गूंजा है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है, भाजपा राज में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, बिना पर्ची और खर्ची के प्रदेश में नौकरियां मिल रही हैं, प्रदेश के छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ कुशल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शहीद की माता, पत्नी और बेटे का सम्मान भी किया। एक अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा दें, ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का सीएम केजरीवाल पर निशाना। आपको बता दें दिल्ली में बिजली का कोई संकट नहीं, आरके सिंह की तरफ से कहा गया है। आपको साथ ही ये भी जानकारी दे दें, बेवजह भ्रम फैलाया जा रहा है, आरके सिंह ने साफ तौर पर कहा है हमारे पास कोयले का पर्याप्त स्टॉक है, आरके सिंह कहते हुए नजर आ रही हैं। तो फिलहाल आरके सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर साफ तौर पर निशाना साधा क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बिजली का संकट दिल्ली में गहरा सकता है, लेकिन दिल्ली में बिजली का कोई संकट नहीं, आरके सिंह ने साफ कर दिया है। बेवजह भ्रम फैलाया जा रहा है ये भी आरके सिंह ने कहा है, साथ ही कहा कि हमारे पास कोयले का पर्याप्त स्टॉक है। और खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।